हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन के तहत हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों को आपके समक्ष शामिल कर रहा हूं और आज प्रश्नों की संख्या 20 है। चलिए देखते हैं, आज का पहला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे और कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स को, और ये 1773 ईस्वी में बनाया गया था। यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसे 1773 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद देखिएगा, दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ और किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1767 ईस्वी में अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच ये लड़ा गया था। आप इसे अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर है, मद्रास की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1769 ईस्वी में अंग्रेज तथा मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण, द्वितीय मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुई थी? तो ये 1780 से 1784 के बीच हुई थी, अंग्रेज तथा हैदर अली के बीच हुआ था। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, पाँच नंबर है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। उसके बाद देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर 1784 ईस्वी होगा। और भारत में अस्थायी भूमि बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, कि भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार से संबंधित है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का सवाल, कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा पर रोक किसकी सलाह पर विलियम बेंटिक ने लगाई थी? इसका राइट आंसर होगा ये राजा राम मोहन राय। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सती प्रथा पर रोक किसकी सलाह पर लगाई गई, ये राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल, ठगी प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगाई थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल मेटकॉप किस कार्य हेतु जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए चार्ल्स मेटकॉप को जाना जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं, के कारण कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जो है ये लॉर्ड डलहौजी बहुत फेमस हुए थे, और इसके तहत पहला जो ये मिलाया गया था सतारा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1857 ईस्वी में। और देखिए अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। बार बार क्वेश्चन पूछता है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। उसके बाद 18 उस समय हालांकि लॉर्ड कैनिंग ये वायसराय हो गया था, ये बात याद रखिए, गवर्नर जनरल नहीं बल्कि ये वायसराय हो गया, प्रथम वायसराय। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मेरठ से आरंभ हुआ था। उसके बाद देखिए आज का अंतिम सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये राइट आंसर होगा चर्बी लगे कारतूस का उपयोग, ये इसका आंसर होगा। यानी कि 4 मिनट से 4.5 मिनट में आपने 20 सवाल को यहाँ देखा, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बस आज इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।